बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है बेचारी को, बहुत गर्मी लग रही है बाहर, और ना वो अंदर अकेले रहना प्रेफर करती है, क्योंकि कोई शैतानी नहीं करी, कहीं फूंक फूंक नहीं कर रही, शांति से बैठी है, बहुत शांति से। शीर कुट घुस मारी है चिट्टू, ए चिट्टू रुक तो भाई यार, तू पोस्टर तो कर ही रही है तू उसको, है ना, पोस्टर तो है मेरे पास ही है, ये देखो इसके गले में फिर एक बम दो बन गए, ऊपर भी बना, तीन, ये क्या बन रहे हैं, उसको चाहिए तो पूरे बंदे मैक्सिमम से हटाना है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर हिमांशु, बार बार इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, हम एंटीबायोटिक चेंज कर रहे हैं इसका, स्ट्रांग एंटीबायोटिक सारा चेंज कर रहे हैं, स्ट्रांग एंटीबायोटिक देंगे, दवाई लगा दी इसके हर जगह, जुप्पी जुप्पी, इसको कोई स्किन डिजीज भी थी मैंने सुना है, तो बेटर है, बताओ आई ड्रॉप डाल क्यों रहे हैं, आई ड्रॉप डाल रहे हैं क्योंकि इसकी आंख में रेडनेस है, इसलिए डाल रहे हैं, डिस्चार्ज काफी आता है इसलिए डाल रहे हैं। सर कब तक हो जाएगा ठीक है चिरकुट अपना, मोस्टली इस वीक में शायद हो जाए, इस वीक में बाल वाल तो जख्म शायद भरने शुरू हो जाए इस वीक में, पूरा ठीक होते टाइम लगेगा, ओके थैंक यू। सर क्या नाम है इस डॉग का, बम्बिनो, तुम शूट करते हो उसमें आज नाम नहीं तक चला आज तक, क्या आई गेस बम्बिनो है ना ट्यूमर वाली, थैंक गॉड तुम गलत नाम तो ले पाते हो कम से कम, अरे नाम बताओ ना सर प्लीज, मूंगी मूंगी, हां मूंगी, तुम नाम याद मत रखो हमसे नाम पूछते चलो, वाह वाह कैसी हुई सर मेरी भी शार्प करो ना, कैसी हुई सर इसकी ट्यूमर की सर्जरी, फर्स्ट क्लास, तो कैसी है सर्जरी के बाद, अच्छी है, तो कितना टाइम लगेगा सर इसकी हीलिंग में, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं ऐसे, तो इसको हम उसमें भी रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, रिलीज करेंगे, सूचो खोलने का रिलीज कर देंगे इसको, सूचो खोलते हैं, ओके कहाँ पर है भैया, गाय घर पर बांधी भाई, पूंछ को कीड़े पर पड़ गए हैं, दो टाइम पट्टी करता हूँ मैं उसको डेली, भैया पट्टी काली कैसे पड़ रही, क्या लगाया आपने, ये काला तेल लगाया है, मक्खी नहीं बैठती ना ऊपर पट्टी पर, तो ये तार वारों से फंस के लगी है, शायद फट गया ये, मसल फट गया नहीं, तो इसका है कोई इलाज, ये बोले बचपन से ये, फिर तो दिक्कत नहीं करता होगा इसको, नहीं अभी तो आदत होगी इसकी, तो जो मसल है वो उस मस्कुलर फट गई है, तो इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर बना रही है ना, तो स्किन के सारे रखी हुई हैं अभी, अगर फ्यूचर में इसको यहाँ पे मान लो कट लगता है कुछ होता है तो इंटेस्टाइन बाहर आ जाएंगी, तब खतरा है इसको, इसके बीच की हड्डी गायब है, बस ये स्किन के सारे हैं, ये तो कटेगी पूरी, अभी तो हम टीटों से कर देते हैं, बात कर लेते फिर, अगर लेके जाना पड़ता है लेके जानी पड़ेगी फिर, जो ये कीड़े होते हैं मैगेट से हड्डियाँ भी खा जाते हैं, तो हड्डी के आसपास की स्किन खाली होगी ना सारी, ये दो हड्डियाँ, दो हड्डियाँ और ये बीच का गैप हो गया, गैप पर ये स्किन है, ये स्किन नहीं है बस, तो इसको पट्टी तो आप कर ही लोगे ना, हाँ कर लूँगा, तो सहेल भाई हम भाई को दवाइयाँ वगैरह सब दे के जा रहे हैं, हाँ जी सहेल इस जगह पे एक बैल का और करना में ट्रीटमेंट से, उसको क्या हुआ, उसको रस्सी बंधी थी ना पाँव में, अच्छा। बांधी होगी तो काफी टाइट हो गई थी, तो इसका भैया पहले किसने करी है पट्टी बांध रखी है, जो ये सरकारी हॉस्पिटल वालों ने की है, तो वो दोबारा नहीं आए करने कभी, नहीं एक ही बार की है उन्होंने सिर्फ, आपने बोला उनको करने के लिए, ओ मेरे को बोल रहे थे पट्टी खोल देना आज, वो रहा सामने हॉस्पिटल, यहाँ तक आने में जोर पड़ा है, बताओ ये डरेगा कुछ नहीं, डरेगा ही, जब हम बैल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो बैल बहुत ज़्यादा डर रहा था ना और भाग रहा था, फिर हमने ज्योति को कॉल किया कि जो टेल वाली गाय थी ना जिसके लिए रेस्क्यू के लिए गए थे उसके साथ इस बुल को ले आए साथ में, तो ज्योति ने बोला हाँ ले आओ, तो फिर हमने इसको रेस्क्यू किया, ले आए, हड्डी टूटी है ना गाय की, टेल की, हाँ टेल की, और टूटी क्या मतलब बीच में गैप है, तो टेल एम्पुटेशन केस है ये, हाँ तो अभी तो पट्टी कर दी तो बांधी हुई है, अगर हम सर्जरी करके वापिस छोड़ देंगे तो ये देख लेंगे आगे ना, जो दूसरा बैल था ना उसको एक तो नीचे थी रस्सी बंदी, एक दो उसको जो दो में बड़े बड़े गाफ और ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही है ना, तो वो फ्रेंडली नहीं है, अच्छा तो वो मैं दो की स्पेस है ना हमारे पास, अगर दोनों आ सकती है तो दोनों ले आएंगे, ठीक है दोनों को ले आओ, मिल गया ग्रीन सिग्नल, हाँ रेस्क्यू के लिए, हाँ चाचा गैंगस्टर आ रहा, आ रहा चाचा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, चाचा पहाड़ भी होश नहीं करना था, बैल भी होश करना था, सहेल अब तू मारेगा, हाँ सहेल खुले में आ गया, नहीं सहेल क्या कर रहा है भाई, तीसरी बजा बजा बजा, वो ये रहा ये रहा ये रहा, भगा सहेल, तभी कहते भाई बाल कटवा ले, अब देख रेस्क्यू में फंस गए ना तेरे बाल, आ रहा आ रहा रोड आ रहा है, गाड़ी ठोक गई, जाने दे जाने दे, निकल भाई, खेल 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 खेल, बढ़ क्या बढ़ो,
बस चले टाइट फंस गया भाई। लगी अब हम उन दोनों गाय, एक गाय और एक बैल को इस गाड़ी में लोड करके लेके चलेंगे फुल फार्म। ये दोनों लेके जा रहे हैं, हम दोनों को लेके जा, बहुत मदद करी दोनों ने। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें? लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बस बस यार चाचा पूरी जान लगा दी। बस आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। चाचा अंदर चलो। हाँ जी लिया है गाय? हाँ उधर है नीचे, वो देखो वो ले आई। और कैसा लगा आज एक जानवर की जान बचा के? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। क्या सीखने को मिला आज? सभी की जान बचानी चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू यार। ये आ गई हमारी एक गाड़ी वापस, और ये आ रही हमारी दूसरी गाड़ी। रात के लगभग कितने बज गए हैं? 9:30 के आसपास समय हो गया। तो साहिल बाहर ही बांधेंगे ना अभी तो, आज तो नहीं, ये अंदर चली जाएगी। गाय अंदर चली जाएगी? हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसने स्टॉर्म रिलीज करा अपना, गाय को देख के करा इसने। अब गाय को रात को बांध नहीं सकते इसके साथ। अब किसको उतारोगे? अब हम उतारेंगे नेक्स्ट को। नेक्स्ट को? हाँ सींग बहुत पहने है, देखना दौलत राम जी। बस बस लगा दो इसको चाचा। एक दो तीन। चाचा नहीं, चाचा नहीं, चाचा इतना जोर नहीं लगाना। चाचा कुश्ती लड़ रहे, तीन तीन आगे इसके दो चोट है ना? हाँ ऊपर वाली गहरी है, नीचे वाली तो ठीक ठीक है बस। नीचे वाली तो ऑलमोस्ट ठीक हो गई, ऊपर वाली गहरी है। आज शंभू जा रहा है। हैं? हाँ जी। काफी देर लगा दी है इसने, भाई साहब ने यहाँ पे सूजन हो गई थी टेस्टिकल्स में ना आफ्टर कैस्ट्रेशन। अच्छा। तो इतने दिन से उसकी ही ट्रीटमेंट चल रही थी, अभी फाइनली हल्की सूजन है लेकिन कोई पेन नहीं है, कोई हीट नहीं है, कोई भी इशू नहीं है पिछले 4-5 दिनों से, तो इसलिए हम इसको अभी रिलीज कर रहे हैं। सही, वैसे अच्छे से चोट तो इसकी जल्दी हील हो गई थी ना, हमारे तो हील हो गई, वजह कास्ट्रेशन की वजह से इतना लंबा रुक गया। चल क्या हुआ बेटा, चलो चल 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 चलो चला चला। सर मैगट्स हैं? मैगट तो मुझे एक दिन दिखा। सर इसकी तो हड्डी दिख रही है ना? ऊपर वाली में हड्डी दिख रही है। सर इसका जख्म भर कब तक जाएगा? एक महीना। हैं? चुप रहे, एक महीना तो बात मत करना इसके बारे में। इतना टाइम लगेगा, इससे ज्यादा ही लगेगा क्योंकि जख्म काफी डीप है ना एक तो इसके हम डेली एनएस वाली बैंडेज करेंगे अभी स्टार्टिंग। हाइपरटोनिक वाली? ओ सॉरी हाइपरटोनिक वाली। हां जी। ऐसे करते हुए जीजा जी को तो गुस्सा दिला रहा है, बोल रही हूँ मैं तेरे को। दीदी ये क्या लगा रहे हो? बाजी इससे टिक्स मर जाते हैं। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर के पास आ गई है वो तो। सर पूंछ बचेगी इसकी? नहीं नहीं, एम्प्यूटी करनी पड़ेगी। टेल फ्रैक्चर है, ओपन वुंड है जिसमें मैकेट्स पड़ गए हैं, प्लस इसको हर्निया भी है काफ़ी बड़ा, और अनिमिक तो ये है ही है, बाकी या तो ब्लड टेस्ट में पता चलेगा, और ये जब तक इसका इन्फेक्शन नहीं डाउन होगा तब तक हम स्केल एम्पटेशन भी नहीं कर पाएंगे। हाँ दीदी हाइपोटोनिक वाली बैंडेज है? हाँ जी भैया। बस और वो हटाने के लिए? अच्छा यंती यंती। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा बच्चा? मारी है लात अभी, कभी मारी गाय को मार रहा है, देखा किसी ने गाय को मार रहे? हाँ। मार रहा
ढोलू ने नहीं मारा ना, तो तुम ऐसे बदनाम कर रहे हो। मारता है सर ये बहुत गंदा, नवीन भाई ने कहा। नवीन भाई ने कहा पूछो, साहिल भाई ने देखा है, उसने इसको देखा है, तभी तो ऐसे ही मैं भी ऐसे ही बदनाम हुआ। देखो पूछो पूछो एक बार पूछो आगे क्या पीछे काट नहीं पड़ा, फिर लाज में मारे। अभी तुमने कहा नहीं मारी लाज में, ढोलू ढोलू तो इंसानी गॉसिप का शिकार है और कुछ नहीं। नहीं सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। और ये बाहर भागने की कोशिश करता है घास चरने के लिए। तुम भी तो हर संडे में क्लॉट भागे होते हो। ढोलू भागता है, ढोलू काटता है भाई, लेकिन ये गंदा काटते हैं। वैसे हमने ब्रेन को वहाँ शिफ्ट तो कर दिया अडॉप्टेबल्स में, इसकी बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटिव ही थी। हाँ नेगेटिव थी, लेकिन इसको क्रॉनिक डर्मेटाइटिस है। ऐसा कुछ नहीं अंडरलाइन कंडीशन जैसे कि जो कैंसर या हम जो बेनाइन मैलिग्नेंट देखते हैं, वैसे कुछ भी नहीं आया। बेसिकली फिर ये वही है कि अडॉप्ट होगा तो ये ठीक है, नहीं तो सड़क पर जाएगा तो फिर रिलैप्स। और घर पे भी ऐसी जगह होगा जैसे अभी नेहा गया मैरिज एन गया, देखा क्या एकदम बढ़िया हो गया। वो तो स्किन केसेस शेल्टर्स में तो बहुत ही हार्ड है, वो स्ट्रेस में रहेगा एनिमल। बराबर सही कह रहा हूँ सर मैं। अच्छा इसका ये जो है ढेंचू चमगादड़ जैसा लगता है ना थोड़ा, इसका वो खुर ट्रिम कराना होगा। डॉक्टर को मैसेज किया हुआ है, मैंने कहा हम देखिए, उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि किसी भी मतलब फैरियर से मत कराइए, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो उन्हीं से करवाना, क्योंकि ये जो कंडीशन है ऑलरेडी एनिमल, आप पेन कम करने के जगह आप उसका पेन बढ़ा सकते हो ना। मतलब फैरियर से कराना है, पर ऐसे किसी भी फैरियर से मत कराना, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, जिसकी प्रैक्टिस हो, उससे ही करवाइए। आप लोग अगर किसी को जानते हैं तो प्लीज मुझे ईमेल कर दीजिएगा robin@peoplefarm.org। ढोलू तो गधा है ना, और ये फीमेल है, तब भी थोड़ा तो इसलिए भी शांत है। ये भी मारती है ना, लेकिन पूरे पैर मतलब बढ़िया से पैर मारती है पीछे वाले। हमने इनको वो अभी प्ले एरिया में छोड़ना शुरू किया ना घास साफ करवाने के लिए। ये हमने इनको यहाँ क्यों छोड़ रखा है? इससे दो फायदे हैं, पहले तो ये ग्राउंड साफ हो जाएगा लोग को घुमाने के लिए, स्मार्ट वर्क, और दूसरा इनको हरा चारा मिल जाएगा। दूसरा ये जो है मट्टी में ज्यादा मस्त रहते हैं ना, अभी ये आया मट्टी में बैठा, ये वाला पूरा पलटा पोटे मारे दो तीन पलटी पुलटी मारी जैसे वो घोड़े करते हैं ना वैसे ही। आजा खुदा के गेट किसने खोला था फिर? जब तुम पहले गए थे तो रविंदर जी लोग थे शूट के टाइम पे। हाँ वहाँ थे, वहाँ गेट बंद था। हाँ, मैंने कौन निकला? मैं ही निकला था गेट बंद करके। तुमने पक्का बंद किया था? हाँ पक्का बंद, मूली अंदर घुस रही थी ना तो मैंने तो बंद कराई था। चार्ली खुद तो नहीं खोल लेता गेट? हो सकता धक्का खुल जाता है, देखो हाँ ये खुल तो जाता है ना। बांध के जाएंगे अच्छे। चार्ली तो खुद ही पहुंच गया यार, बहुत घास खाली जा रहा हूँ मैं। रस्सी बनवानी पड़ेगी अगर हमारे जानवर छोड़ने। चलो चल। अरे डोलू खुद चला जाता है। चलो डोलू पीछे जाता है। चल चल। चल मैंने एक एक्सपर्ट से बात की, वो बता रहे थे कि उनके उसमें सेंचुरी में एक गधा है जो कि दूसरे मतलब इतना शैतान है वो, एक दूसरे गधे को उसके पैर से पकड़ के खींच के घसीट के लेके जा रहा था। उन्होंने फिर जो भी आगे बढ़ रहा था ना उनको रोकने के लिए, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बिल्कुल बीच में नहीं पड़ना, क्योंकि बाकी जितने भी क्वाइन थे वो नहीं जा रहे ना बीच में, मतलब ये लोग बहुत बुरा हार्म कर सकते हैं, बहुत बुरा। गधे फाइटर होते हैं लोग, या तो रिएक्ट नहीं करते पेन में है ना, लेकिन जब करते फाइट बैक करते हैं हमेशा। ओ देखो कैसे पिछवाड़ा खुजा रहा अपना, स्पॉट का ही भाई है ये। इसकी शक्ल भी मिल रही है एक्चुअली स्पॉट से। अब यही है ना, जो डॉग्स हैं, डॉग्स जैसे दूसरे जानवर हैं, उनकी एक पर्सनालिटी सी होती है और इसीलिए वो खाए नहीं जाते, लेकिन इसीलिए वो फिर सड़क पे तिल तिल के मरने को मजबूर हैं। मुर्गियां जो हैं वो खाई जाती हैं, पर 30 दिन में उनकी इस दुनिया से छुट्टी हो जाती है। तो मुझे नहीं पता कि भाई अगले जन्म में मुझे दो चॉइसेस दी जाएगी, डॉग या मुर्गी, तो मैं क्या बन के पैदा होना चाहूंगा। खैर जो लोगों के डॉग्स और मुर्गियों को लेके विभिन्न प्रकार के विचार है, उस बारे में हमने एक बड़ा अच्छा स्ट्रीट इंटरव्यू किया है जो कल हमने पोस्ट किया है, देखिएगा जरूर। बाय।